आज तक हरियाणा पंचायत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज दिन भर नेताओं की कतार यहां पर लगी रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो जिनके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां मंच पर पहुंचे, या फिर दूसरी तरफ से दीपेंदर हुड्डा, भूपिंदर हुड्डा, तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अपनी अपनी बात कहकर गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव में 10-0 के स्कोर को 5-5 का स्कोर करने वाली कांग्रेस पार्टी क्या इस बार बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने के सपने में सेंध लगा पाएगी। आज इस मंच से तमाम दिग्गज नेताओं ने बातचीत की। सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में दोनों तरफ, चाहे कांग्रेस पार्टी हो कुमारी शैलजा की वजह से, या फिर बीजेपी हो जहां पर राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज जैसे नेताओं की वजह से, आपसी गुटबाजी की चर्चा बहुत हो रही है। आज इस मंच पर तमाम नेताओं ने हर सवाल का जवाब दिया, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और सुप्रिया श्रीनेत जी, राष्ट्र प्रवक्ता और सोशल मीडिया हेड कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपके पास ये मौका है कि आप लोकसभा में जो सेंध आपकी पार्टी में कांग्रेस ने लगाया उसको आप अंडू कर सकें, लेकिन ज्यादातर अभी तक के सर्वेस बता रहे हैं कि यहाँ की हवा कांग्रेस पार्टी के नाम पर चल रही है। क्या बीजेपी को लग रहा है कि आप कुछ कर पाएंगे या फिर समर्पण मोड में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हमेशा हर कोई ये कहता है, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ, एक तुलनात्मक बात आपको बताता हूँ। 1962 के बाद 62 ईयर्स, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत के आए, 7 बार गुजरात में चुनाव जीते। आपका सर्वे ही बताता था गुजरात हम हारने जा रहे, फिर भी जीत गए थे। और इसके साथ गोवा में 3 बार लगातार जीते, उत्तर प्रदेश में 35 साल बाद कोई सरकार रिपीट हुई फुल मेजॉरिटी से, उत्तराखंड में जहां कहते थे जब से प्रदेश बना है सरकार दूसरी पार्टी की बनती है एक शासन के बाद, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी आए। कहने का तात्पर्य ये है, ईमानदार सरकार, डबल इंजन सरकार, विकासशील सरकार कोई दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और इसीलिए हरियाणा की जनता आप देखेंगी एक नया कीर्तिमान बनाएगी और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। लेकिन यही एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिए, फिर मैं इनके पास जाऊंगी। आपने जितने राज्यों के नाम चले लिए, आपका एक स्कीम चलती है बीजेपी में, सीएम बदलो चुनाव जीतो, यही स्कीम आपने यहां पर भी लगाया है, वरना मनोहर लाल जी की क्या परेशानी थी, क्यों हटाया उनको? किसी की कोई परेशानी नहीं होती है, रोल बदल जाता है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है, देश की सेवा करने लगता है। कपड़ा फाड़ राजनीति से जो कांग्रेस में हम देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बहुत अच्छी है। मुख्यमंत्री पद से जो व्यक्ति हटता है ना अंजना जी, वो कहता है कोई बात नहीं, पार्टी की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे। और यहां अभी मैं कुमारी शैलजा जी को सुन रहा था, वो कह रही थी ढक्कन लगाए रखना, ढक्कन अगर नहीं लगाया तो दिक्कत हो जाएगी, और वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। रणदीप सुरजेवाला जो कहते हैं कि जो जनता भाजपा को वोट करती है जी, वो राक्षस है। बताइए, महिला सम्मान में रणदीप सुरजेवाला जी कहते हैं अरे अगर सांसद बनाया है, विधायक बनाया है, तो कोई गाल चाटने के लिए तो नहीं बनाया हेमा मालिनी की तरह। ठीक है, मुझे अगले राउंड में, अगले राउंड में जनता वोट देगी। सुप्रिया जी, आप मोर्चा संभालिए। कांग्रेस पार्टी ज्यादातर सर्वेस भी इशारा कर रहे हैं कि आपकी स्थिति यहाँ मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन क्या आप ही के पार्टी के नेता उस स्थिति को कमजोर करने में लग गए हैं जब उनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर हथौड़ा चल रहा है? क्योंकि कुमारी शैलजा इस मंच पर आई, खुलकर उन्होंने दर्द बताया, कहा ये मौका तो है ही, एक महिला के तौर पर भी उन्होंने दावेदारी पेश की, उन्होंने अपने समाज की भी चर्चा की। आप ही की पार्टी के नेता, क्या आपके चांसेस खराब नहीं कर रहे? आपको और आपके दर्शकों को और गौरव जी को मेरा नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये तो मान लिया है कि सरकार हमारी बन रही है, उसके लिए अग्रिम साधुवाद। देखिए, राजनीति जो है ना, ये महत्वाकांक्षाओं का दूसरा नाम है। आप अपने चैनल में इतने बड़े ओहदे पर हैं, आपकी भी महत्वाकांक्षा होती है कि सारे बड़े इंटरव्यू आप करिए, किसी और की भी होती है, इसमें क्या बुरी बात है?
जो ज्यादा काबिल होगा उसको मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा इंटरव्यू मिलते हैं बाकियों से क्योंकि आपकी शायद काबिलियत होगी, पर कोई दूसरा महत्वाकांक्षा ना रखे इसमें क्या बुरी बात है। और शैलजा जी बड़ी सशक्त नेत्री हैं, शैलजा जी एक दो नहीं चार चार पांच पांच चुनाव जीत कर बैठी हैं। और मैंने उनका वो 35 मिनट का इंटरव्यू सुना, मैं रास्ते में थी आप जब उनका इंटरव्यू कर रही थी, मैंने सुना, और उन्होंने कहा ऐसा करारा तमाचा मारा उन्होंने बीजेपी को और कहा कि शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है और जैसे उनके पिता कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे वैसे ही शैलजा भी जाएंगी। इससे ज्यादा और प्रतिबद्धता इंसान अपनी क्या दिखा सकता है, किडनी थोड़ी निकाल कर दे देगा आज तक के मंच पे कि मेरी प्रतिबद्धता देखो। तो मेरा अपना मानना है कि शैलजा जी पर जो जिस तरह शैलजा जी को मोहरा बनाकर जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही थी वो ऑलरेडी धड़ाम से गिर चुका है। आप अपना घर संभालिए, आपके यहाँ अमित शाह जी सैनी जी का हाथ उठाकर कहते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, 24 घंटे के अंदर अनिल विज जी अंबाला में कहते हैं मैं सबसे सीनियर हूं मैं कैंडिडेट हूं, राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं मैं कैंडिडेट हूं, इनके बड़े ब्राह्मण चेहरा रामविलास शर्मा कह रहे हैं मेरा तो टिकट काट दिया, ब्राह्मणों का असम्मान कर दिया, बुरा उन लोगों का, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष को टिकट ही नहीं मिला। आपको लगता है कि चुनाव के कुछ महीने पहले आप मुख्यमंत्री बदल दीजिएगा, उप मुख्यमंत्री बदल दीजिएगा, अध्यक्ष बदल दीजिएगा तो आपकी जो नाकामियां हैं वो खत्म हो जाएंगी? आज आप जो आपके खट्टर साहब थे उनको ना मंच पे जगह दे रहे हैं ना किसी पोस्टर में जगह दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जो जंगल राज पिछले 10 सालों में हुआ वो हरियाणा की जनता नहीं भूली है। हरियाणा में किसान को आपने नहीं बख्शा, पहलवान को आपने नहीं बख्शा और जवान को आपने नहीं बख्शा, तो आपने बख्शा किसको हरियाणा में? और हरियाणा इसी परिवर्तन के खिलाफ कांग्रेस में विश्वास रख के हमें जिताएगी।